गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं शॉर्ट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? शॉर्ट ऑप्शन की मदद से आप अपने टेबल को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं फिल्टर ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? फिल्टर ऑप्शन की मदद से आप किसी भी डेटा में से किसी एक रो अथवा स्टैंडर्ड फिल्टर की मदद से बहुत सारी रो के डेटा को निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं सब टोटल ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? सब टोटल ऑप्शन की मदद से आप किसी भी रो को एक एक करके उसके टोटल देख सकते हैं अथवा आप रो को काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत से कार्य सब टोटल की मदद से कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग क्यों करते हैं? टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन की मदद से कोमा, एट, डॉट या किसी भी प्रकार से दूसरे प्रकार के सिंबल से जुड़े हुए टेक्स्ट को आप अलग अलग करके दूसरे कॉलम में देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं टुडे फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? टुडे फॉर्मूला की मदद से आप अपने कंप्यूटर की डेट को इंसर्ट कर सकते हैं अथवा उसे अपनी सीट पर लगा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईयर फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? ईयर फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी डेट में से ईयर को निकाल सकते हैं। अगर किसी भी डेट में से मंथ को निकालना है कि उस डेट में मंथ कौन सा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? अगर आप किसी डेट में से मंथ को निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए मंथ फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, फिर बताए गए तरीके से कैल्क की फाइल को ओपन करें। आइए अब जानते हैं आज आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप विंडो मेन्यू के कुछ ऑप्शन जैसे कि न्यू विंडो, क्लोज विंडो, फ्रीज, स्प्लिट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आप कुछ फॉर्मूला जैसे कि कैर, कॉन्किट नेट, एग्जैक्ट, फाइंड, लेफ्ट, राइट, मिड, लोअर, अपर, ट्रिम के बारे में सीखेंगे। अब आप सामने दिए गए टेबल को बनाएं अथवा सेव की गई कैल्क की फाइल को ओपन करें। क्या आप बता सकते हैं न्यू विंडो का उपयोग क्यों करते हैं? न्यू विंडो की मदद से आप उसे विंडो की एक और डुप्लीकेट विंडो को ला सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं क्लोज विंडो का उपयोग क्यों करते हैं? क्लोज विंडो की मदद से आप अपनी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। आइए आप वीडियो की मदद से न्यू विंडो और क्लोज विंडो का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से न्यू विंडो का उपयोग करना सीखें। न्यू विंडो की मदद से आप करंट फाइल की डुप्लीकेट फाइल को ला सकते हैं। करंट विंडो की आप डुप्लीकेट विंडो को ला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले विंडो मेन्यू पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर न्यू पे क्लिक कर दें। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारी फाइल थी उसी के जैसे एक और फाइल आ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वो ऊपर है, अनटाइटल्ड वन के नाम से वो फाइल है। जो उसकी डुप्लीकेट विंडो आई है, जो डुप्लीकेट फाइल आई है, वो अनटाइटल्ड वन एंड टू के नाम से आई है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस विंडो को आप क्लोज करना चाहते हैं तो फिर से विंडो पर क्लिक करें या फिर डायरेक्ट क्लोज के बटन से क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप न्यू विंडो की मदद से अपने फाइल के एक नए विंडो, एक डुप्लीकेट फाइल को या नए विंडो को ला सकते हैं।
आइए अब स्प्लिट ऑप्शन के बारे में सीखें। क्या आप जानते हैं स्प्लिट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? स्प्लिट ऑप्शन की मदद से आप अपनी सीट को चार भागों में बांट सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से स्प्लिट ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से स्प्लिट का उपयोग करना सीखें। स्प्लिट की मदद से आप अपने सीट को, जो स्प्लिट सीट है, उसको चार भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जहां से भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले कर्सर को वहां पे रखें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने कर्सर को यहां पे रखा, विंडो पे क्लिक किया और स्प्लिट पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं जो हमने डेटा लिखा था उसके लास्ट में हमने क्लिक किया तो इसको चार भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब ये चारों भागों में जो हमने डेटा लिखा था वो ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, चारों भागों में अलग अलग इस डेटा को चार भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हमें यहां से स्क्रॉल लेफ्ट टू राइट करके देख रहे हैं। अब दूसरे वाले सेल में देखें जो डिवाइड किया गया है, दूसरे वाले भाग में वहां पे भी सेम डेटा आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करके आप देखें, हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हमने अप किया तो आप देख सकते हैं जो हमने सीट को चारों भागों में डिवाइड किया था वो डेटा चारों भागों में यहाँ पे आ गया है। जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करेंगे वो चारों सेल सेलेक्ट होगा। एक में से किसी भी सेल या रो को सेलेक्ट करें, वो इन चारों जो डिवाइड किया गया वो ऑटोमेटिक हर एक सेल में सेलेक्ट होगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, जो हमने स्प्लिट किया उसको अगर आप पहले जैसे करना चाहते हैं, विंडो पे क्लिक करें, फिर से स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वो पहले जैसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्प्लिट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फ्रीज ऑप्शन के बारे में सीखें। फ्रीज ऑप्शन की मदद से आप अपनी सीट पर किसी भी रो कॉलम को फिक्स्ड कर सकते हैं। मतलब जब भी आप किसी रो अथवा कॉलम को फ्रीज कर देंगे तो आप जब सीट को एरो कीज अथवा पॉइंटर से आप डाउन करेंगे, जो रो फिक्स्ड की गई थी उस सेल को या उस रो को छोड़कर बाकी रो अथवा कॉलम अप और डाउन कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से फ्रीज ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से फ्रीज ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जिसे आप फ्रीज करना चाहते हैं, जिस रो या कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है, यानी कि इसे फिक्स करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने पॉइंटर को, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने सेकंड कॉलम जो इंग्लिश वाले कॉलम पे हमने वहाँ पे कर्सर को रखा, विंडो ऑप्शन पे क्लिक किया और फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो प्रकार की लाइन आ गई है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है जिसने रो को फ्रीज किया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर नेम, इंग्लिश, साइंस, मैथ, टोटल और एवरेज लिखा है। उसके नीचे एक लाइन आ गई है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और दूसरी लाइन कॉलम को जो फ्रीज किया है, जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है, नेम ए बी सी ई, जिसने कॉलम को फ्रीज किया है, फर्स्ट ए कॉलम को फ्रीज किया है। जब आप डाउन एरो की से या फिर जितने भी सेल को आप नीचे करेंगे, जो फर्स्ट रो को हमने फ्रीज किया था आप देख रहे हैं वीडियो में, वो वहीं पे फिक्स्ड रहेगी, उसकी जो पोजीशन है वो वहीं पे रहेगी, वो मूव नहीं होगी। बाकी जितने भी डेटा हैं वो मूव होते जाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप कितने भी डाउन कर लें, कितने भी आप नीचे आ जाएं, कोई से भी सेल पे आ जाएं, जो फर्स्ट रो जो फ्रीज हुई है, जो फिक्स्ड हुई है, वो वहीं पे वहीं रहेगी। इसी प्रकार से आप कॉलम को देख सकते हैं, हमने फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया था, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम आगे कॉलम मूव करते जा रहे हैं, लेकिन वो कॉलम जो हमने जिसे फ्रीज किया था वो वहीं पे वहीं है, उसकी पोजीशन एकदम फिक्स हो गई है, वो मूव नहीं हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है।
आप कितने भी कॉलम को आपको मूव कर ले आगे, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो मूव नहीं होगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप फ्रीज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, फ्रीज ऑप्शन की मदद से किसी भी रो किसी भी कॉलम को फिक्स्ड कर सकते हैं। जब आप बहुत सारे डेटा बनाना होता है तो आप टाइप करना चाहते हैं, तब हम फ्रीज का ऑप्शन उपयोग करते हैं। अगर आप फ्रीज ऑप्शन को हटाना चाहते हैं, फिर से विंडो मेन्यू पे क्लिक करें और फ्रीज पे क्लिक कर दें, तो जिससे आपने फ्रीज किया था, रो और कॉलम को फ्रीज किया था, फिक्स्ड किया था, वो हट जाएगा। इस प्रकार से आप फ्रीज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी कुछ नए फॉर्मूलों के बारे में सीखेंगे। आइए अब कैरेक्टर फॉर्मूला, जिसकी शॉर्टकट कमांड CHAR फॉर्मूला है, के बारे में सीखें। कैरेक्टर फॉर्मूला की मदद से आप यह पता लगा सकते हैं कि नंबर पर कौन सा अल्फाबेट नंबर सिंबल है। ये कीबोर्ड के सभी सिंबल के बारे में भी जान सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले जहां पे आप कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करना चाहते हैं, कर्सर वहां पे ले जाएं, उस सेल में लेके जाएं जहां पे आप कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हम एच कॉलम में हमने सबसे पहले CHAR लिखा, उसके नीचे वाले सेल में अब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले इक्वल टू सिंबल को टाइप किया, उसके बाद हमने CHAR लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा कि नंबर, तो हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे 50 टाइप किया, और 50 टाइप करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। फिर से हम इक्वल टू सिंबल टाइप करेंगे, कैरेक्टर लिखा CHAR, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, 100 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर बटन को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब यह है कि 100 नंबर पे डी अल्फाबेट है। फिर से हमने इक्वल टू को टाइप किया, कैरेक्टर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इसमें हमने 20 लिखा, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस आया, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। हमने फिर से ब्रैकेट को स्टार्ट किया, कैरेक्टर लिखा CHAR, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, 30 लिखा, नंबर हमने दिया और क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि 30 नंबर पे भी कोई सिंबल नहीं आया। हमने फिर से इक्वल टू टाइप किया, कैरेक्टर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इस बार हमने 145 लिखा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, नंबर में हमने 145 लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ आ गया। फिर से ब्रैकेट को फिर से इक्वल टू सिंबल टाइप किया, कैरेक्टर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने इस बार 79 नंबर टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे ओ लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर से कैरेक्टर फॉर्मूला की मदद से यह जान सकते हैं कि कौन सा सिंबल, कौन सा लेटर या कोई नंबर वो कितने नंबर पे आता है। तो इस प्रकार से आप कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब कॉनकेटनेट फॉर्मूला के बारे में सीखें। कॉनकेटनेट फॉर्मूला की मदद से आप दो टेक्स्ट को एक टेक्स्ट में जोड़ सकते हैं।
जैसे कि आपका पहला नाम और सरनेम अलग अलग कॉलम में है, तो आप कॉनकेटनेट फॉर्मूला की मदद से आप उसे एक ही कॉलम में जोड़ सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से कॉनकेटनेट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से कॉनकेनेट फॉर्मूले का उपयोग करना सीखें। कॉनकेनेट फॉर्मूले की मदद से आप दो अलग अलग सेल में या दो अलग अलग कॉलम में दिए गए टेक्स्ट या नंबर को आप एक ही कॉलम में जोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने एक कॉलम में www को टाइप किया, जैसे कि आपको वीडियो में देख रहे हैं। अगले कॉलम में हमने डॉट टाइप किया, फिर हमने तीसरे कॉलम में कंप्यूटर लिखा और लास्ट वाले कॉलम में हमने शिक्षा टाइप किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे चार वर्ड टाइप किया, www.computer-शिक्षा। ये चारों अलग अलग कॉलम में दिया गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने अगले कॉलम में फिर से डॉट को टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और लास्ट में हमने ORG टाइप किया। तो एक प्रकार से हमने एक वेबसाइट जो होता है हमने वो यहाँ पे टाइप किया, लेकिन हमने अलग अलग कॉलम में टाइप किया। ये सभी अलग अलग कॉलम में, हम चाहते हैं ये जो अलग अलग कॉलम में है वो सभी एक ही कॉलम में आ जाए, तो इसके लिए हम अब कॉनकेनेट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया, क्योंकि हम कॉनकेनेट फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कॉनकेनेट फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, कॉनकेनेट लिख रहे हैं हम यहाँ पे। अब देख सकते हैं ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो अलग अलग कॉलम में हैं, हमें इन्हें एक साथ करना है, इसीलिए सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कॉनकेटनेट लिखा। हमने यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट किया, अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन में आ गया है text 1, text 2, text 3। तो हम इन सभी टेक्स्ट को एक साथ करना चाहते हैं, तो पहले हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन, फिर दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन, फिर तीसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर से सेमी कॉलन टाइप करना है, फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएं, फिर से लास्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहें तो इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं एक साथ, हमने एक एक करके सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा दें, तो आप देख सकते हैं जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो सारे टेक्स्ट एक ही कॉलम के अंदर आ गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने सभी टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में लिखा था, लेकिन हम इस फॉर्मूला की मदद से इनको एक ही कॉलम में ले आए। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हम फिर से अलग अलग टेक्स्ट लिख रहे हैं अलग अलग कॉलम में। हमने एक कॉलम में फिर से www को टाइप किया, यहाँ पे हमने अगले कॉलम में फिर से डॉट को लगाया, अगले कॉलम में हमने गूगल टाइप किया, डॉट लगाया अगले कॉलम में, फिर लास्ट कॉलम में हमने कॉम को टाइप किया, COM कॉम हमने टाइप किया। अब हम चाहते हैं कॉनकेट फॉर्मूले की मदद से जो हमने अलग अलग टेक्स्ट लिखा है उनको एक में टाइप करें, एक में ले आए। इसके लिए सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया,
फिर कॉन्केटनेट टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू लिखा हुआ आ गया है। फिर हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन सिंबल लगाना है, तो हमने सेमी कॉलन सिंबल को लगाया। फिर अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन लगाया। फिर अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन लगाया। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेमी कॉलन लगाया, और लास्ट वाले टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज किया। आप चाहें एक साथ इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस या कीबोर्ड की मदद से इन सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एंटर बटन प्रेस कर दें। जैसे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने अलग अलग टेक्स्ट लिखा था वो अब एक ही कॉलम के अंदर आ गया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ पे फिर से इक्वल टू टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर कॉनकेट टाइप किया, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट किया। इस बार हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने ए टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर एक हमने नंबर जो 78 लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों कॉलम जो अलग अलग वैल्यू था वो एक कॉलम के अंदर आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप कॉन्केट की मदद से अलग अलग सेल में लिखे गए वैल्यू या टेक्स्ट या नंबर को कॉन्केट की मदद से आप उनको एक ही कॉलम के अंदर ला सकते हैं, एक कॉलम के अंदर उनको जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉन्केट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब एग्जिट फॉर्मूला के बारे में सीखें। एग्जिट फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी सीट में यह चेक कर सकते हैं कि टेक्स्ट आपका सेम है अथवा नहीं। अगर आपने कोई भी स्पेस दिया है तो वह मैच नहीं करेगा। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं कि एग्जिट फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से एग्जिट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले हम एग्जिट टाइप करेंगे जहां पे हमें इस फॉर्मूला का उपयोग करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, टाइप करें, आप कहीं पे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जहां पे लिखा गया है वहीं पे ही एग्जिट फॉर्मूला का उपयोग करें। सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया। अभी आप देख सकते हैं इक्वल टू टाइप करने के बाद एग्जिट लिखा और ब्रैकेट को स्टार्ट किया, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, तो हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर सेमी कॉलन लगाया और दूसरे टेक्स्ट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया, क्योंकि टेक्स्ट ए में हमने जो पहले टेक्स्ट वन में जो सिलेक्ट किया था वहां पे ए लिखा था और टेक्स्ट बी टेक्स्ट टू में बी लिखा था। एग्जिट फॉर्मूला की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो दो सेल की वैल्यू है वो एक जैसे है या नहीं है। अगर दोनों वैल्यू एक जैसे होगी तो उसे ट्रू शो करेगा, अदरवाइज फॉल्स शो करेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने अलग अलग सेल में दो एक जैसे वैल्यू लिखा, हमने दोनों सेल में ए ए टाइप किया, फिर इसके बाद हम सिंबल इस फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं। इक्वल टू हमने टाइप किया, एग्जिट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन लगाया और फिर दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस कर देंगे।
जैसे एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दोनों सेल की जो वैल्यू है वो एक जैसे है, दोनों में ए टेक्स लिखा हुआ है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो ट्रू आया। फिर से एग्जाम्पल देखते हैं, हमने इक्वल टू टाइप किया, एग्जेक्ट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इस बार हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, हमने एक 79 नंबर को सिलेक्ट किया, 78 नंबर को सिलेक्ट किया सॉरी, ब्रैकेट को हमने सेमी कॉलन लगाया और दूसरे नंबर को हमने सिलेक्ट किया 84 नंबर को। आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग है, ब्रैकेट क्लोज करके हमने एंटर बटन दबाया तो फोर्स आया, क्योंकि ये मैच वैल्यू मैच नहीं कर रही है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, फिर से हमने यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया, एग्जैक्ट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने एक नंबर को सेलेक्ट किया 79, जैसे कि आप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं देख सकते हैं, सेमी कॉलन लगाया, फिर से हमने दूसरे नंबर 69 को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर बटन दबाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों वैल्यू मैच कर रही है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने दो नंबर लिया, दोनों 69 था, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आ गया। इस प्रकार से आप मैच फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फाइंड फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। फाइंड फॉर्मूला की मदद से किसी टेक्स्ट को जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं, मतलब आप उसमें आप किसी भी टेक्स्ट या सिंबल को ढूंढना चाहते हैं, तो आप उसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड की मदद से आप उस टेक्स्ट का नंबर जान सकते हैं कि वह नंबर वह टेक्स्ट कितने नंबर पे है। आइए अब वीडियो की मदद से फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। फाइंड फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट में से उस नंबर को जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं उसकी वैल्यू या उसके नंबर को फाइंड कर सकते हैं कि वह टेक्स्ट कितने नंबर पे है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने सबसे पहले फाइंड लिखा, अब हम यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल टू को टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, फाइंड लिखा हमने यहाँ पे, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, अभी देख सकते हैं यहाँ पे आया लिखा हुआ सबसे पहले फाइंड। क्या क्या फाइंड करना चाहते हैं? इस सेल में से, इस कॉलम में से हम जो भी आपको फाइंड करना है वो आप सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे। हमें कंप्यूटर फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर टाइप किया। आपको ध्यान रखना है, जो भी वर्ड आप फाइंड करेंगे उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना है। हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, फिर सेमी कॉलन को हमने यहाँ पे लगाया, सेमी कॉलन के बाद आप पूछ देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पोजीशन लिखा हुआ है, तो हमने जिस टेक्स्ट में से, जिस कॉलम में से सेलेक्ट करना है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब यह है कि जो कंप्यूटर लिखा हुआ है वो 5 नंबर पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से फिर एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, फिर फाइंड लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वह टेक्स्ट लिखना है जिस टेक्स्ट को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया और हमने यहाँ पे देख सकते हैं कॉम लिखा, COM कॉम, सेमी कॉलन लगाया और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमें इस टेक्स्ट के अंदर जो आपको वीडियो में देख रहे हैं इसमें से हमें कॉम को फाइंड करना है कि वो कितने नंबर पे है। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन दबा दिया, तो आप देख सकते हैं जो कॉम है वो टोटल नंबर 12 नंबर पे आता है। जिस टेक्स्ट के अंदर www.google.com लिखा हुआ है उसके अंदर जो कॉम की वैल्यू है वो 12 नंबर पे है, आप काउंट कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इक्वल टू टाइप करें, फिर से फाइंड लिखें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस वर्ड को आप फाइंड करना चाहते हैं उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखें। हमें 8 को फाइंड करना है तो हमने 8 को इन्वर्टेड कोमा के अंदर टाइप किया, सेमी कॉलन लगाया और उस कॉलम या उस पूरे टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने सेल को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो जो 8 है वो थर्ड नंबर पे है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप फाइंड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड फॉर्मूला की मदद से किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को ये जान सकते हैं कि वह कितने नंबर पे है। आइए अब लेफ्ट फॉर्मूला के बारे में सीखें। लेफ्ट फॉर्मूला की मदद से आप टेक्स्ट में लेफ्ट साइड में से कितने कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं अथवा देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो की मदद से आप लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। लेफ्ट फॉर्मूला की मदद से आप टेक्स्ट में से लेफ्ट साइड में से किसी भी टेक्स्ट या नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने सबसे पहले लेफ्ट टाइप किया। अब हम इसके नीचे वाले सेल में लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, लेफ्ट लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। यहाँ पे देख रहे हैं आप टेक्स्ट लिखा हुआ है, किस टेक्स्ट के अंदर निकालना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब आप कितने नंबर तक लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट साइड से निकालना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे टाइप करें। हमने यहाँ पे 3 टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर बटन प्रेस कर दें। अब लेफ्ट साइड से 3 तक ये काउंट करेगा और जितने भी 3 तक वैल्यू आता है उसको काउंट करके यहाँ पे उस टेक्स्ट को निकाल देगा। जैसे कि आप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे CON लिखा हुआ आ गया। लेफ्ट साइड से इसने 3 वर्ड, हमने 3 नंबर यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे 3 वर्ड लिखा हुआ आ गया, कौन। फिर से इक्वल टू लेफ्ट टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस टेक्स्ट में से आप निकालना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लें, सेमी कॉलन लगाएं, फिर यहाँ पे नंबर टाइप करें। आपको लेफ्ट साइड से कितने टेक्स्ट चाहिए, जितने नंबर तक आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं वो टाइप कर दें। हमने यहाँ पे 6 टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर बटन को प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे www.con टोटल 6 वर्ड यहाँ पे आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था वो 6 वर्ड तक यहाँ पे उसको यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे उसको फाइंड करके यहाँ पे निकाला लेफ्ट साइड से। फिर से लेफ्ट एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने इक्वल टू लेफ्ट टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, जिस टेक्स्ट में से आपको वैल्यू निकालना है उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें। लेफ्ट साइड से कितने वैल्यू को आप निकालना चाहते हैं उतने नंबर को सिलेक्ट कर लें, सेमी कोलन लगाया, फिर हमने यहाँ पे नंबर, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमें गूगल तक निकालना है तो हमने यहाँ पे 9 टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर बटन। तो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे www.google, पूरा गूगल नहीं आया यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे 9 टाइप किया। तो ये लेफ्ट साइड से 9 वर्ड को काउंट करके टोटल यहाँ पे निकाल दिया। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब राइट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। राइट फॉर्मूला की मदद से आप किसी टेक्स्ट में राइट साइड के कितने कैरेक्टर दिखाने हैं या देखना चाहते हैं तो आप राइट फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो की मदद से राइट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से राइट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले राइट टाइप करें जहां पे आपको ये फॉर्मूला का उपयोग करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे राइट लिखा,
इसके नीचे हमें एक सेल को सिलेक्ट किया हमने। अबे हमें यहाँ पे राइट फॉर्मूला का उपयोग करना है, तो हमने सबसे पहले इक्वल टू राइट टाइप किया। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस टेक्स्ट में से आप काउंट करना चाहते हैं राइट साइड से किसी भी टेक्स्ट को आप लाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को पहले काउंट कर लें। हमने कॉनकेट टाइप सेल को टेक्स्ट को हमने टाइप किया, सेमी कॉलन लगाया और नंबर। यहाँ पर आप नंबर देंगे राइट साइड से कितने नंबर तक कितने वर्ड्स आप टाइप करना चाहते हैं लाना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 4 टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो आप देख सकते हैं राइट साइड से ये 4 वर्ड को काउंट करेगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं नेट लिखा हुआ है, तो जब आप कॉन्केट वर्ड में राइट साइड से टाइप करेंगे तो नेट टोटल 4th नंबर पे आता है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, राइट टाइप किया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सेमी कॉलन लगाया, फिर हमने यहाँ पे नंबर देंगे इस टेक्स्ट में से राइट साइड में कितने नंबर को आप निकालना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 3 दिया, देख सकते कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने गलत टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, क्योंकि पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ था। दोबारा से हम इस राइट फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, इक्वल टू टाइप करें सबसे पहले, फिर राइट लिखें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। तो हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सेमी कॉलन लगाया, फिर से नंबर 3, तो राइट साइड से 3 वर्ड को यह काउंट करेगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया, जब हमने 3 वर्ड को काउंट किया तो यहाँ पे ORG लिखा हुआ आ गया। जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है सबसे लास्ट में 3 वो मुझे लिखो लिखा हुआ है, वो ORG लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इक्वल टू राइट टाइप किया हमने, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। इस बार हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, सेमी कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे 10 टाइप किया, तो राइट साइड से भी 10 वर्ड को काउंट करेगा और जितने भी 10 वर्ड तक लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में यहाँ पे google.com ये लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आप राइट फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं, राइट फॉर्मूला की मदद से टेक्स्ट को आप काउंट कर सकते हैं, राइट साइड से काउंट करके उस टेक्स्ट को आप ला सकते हैं। आइए अब मिड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। मिड फॉर्मूला का उपयोग आप जब करेंगे, अगर आपको किसी टेक्स्ट के बीच में से कितने कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, अथवा आप किसी कैरेक्टर को अलग से दिखाना चाहते हैं, तो आप मिड फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए अब वीडियो की मदद से मिड फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सबसे पहले मिड लिखें जहां पे आपको ये फॉर्मूला का उपयोग करना है। हमने मिड लिखा, उसके नीचे हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। उस सेल को हमने सिलेक्ट किया, इक्वल टू टाइप किया हमने यहाँ पे, मिड लिखा, MID मिड, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हम उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें मिड फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर स्टार्ट। आप कहाँ से कितने नंबर से आप टेक्स्ट को निकालना चाहते हैं, स्टार्ट का मतलब है काउंटिंग में उस टेक्स्ट में आप कितने नंबर के बाद आपको टेक्स्ट को निकालना है। जैसे कि आप वीडियो में देखें यहाँ पे www. ये डॉट जो है वो 4th नंबर पे आता है, तो हमें स्टार्टिंग यहाँ से करना है। तो हमने 4 यहाँ पे लिखा, 4 टाइप किया, फिर सेमी कॉलन लगाया। अब इस डॉट के बाद जितने भी वैल्यू को आपको निकालना है उसके आगे निकालना है। जैसे कि हमें COMPUTR कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर निकालना है, तो डॉट के बाद हम इस कंप्यूटर को काउंट करेंगे।
आर तक काउंट करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, वो हम यहाँ पर टाइप करा और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन दबा दिया। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो डॉट के बाद जो है कंप्यूटर लिखा हुआ है वो उसे फाउंड फाइंड करके यहाँ पे उसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, मिड टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जिस टेक्स्ट में से आपको फाइंड करना है कोई वर्ड, मिड में से आप फाइंड करना चाहते हैं, उसका पहले सेलेक्ट कर लें उस टेक्स्ट को, सेमी कोलन लगाएं, फिर स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब कि आप कहाँ से कितने नंबर से आप टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे डॉट के बाद गूगल को फाइंड करना है तो पहले हम डॉट की वैल्यू जानेंगे कि डॉट कहाँ पे लिखा हुआ है, कितने नंबर पे है। तो आप डॉट को काउंट करेंगे तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे हमने फोर टाइप किया। फिर इसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया, हमें जी जी से फाइंड करना है गूगल, हमें डॉट के बाद हमें फाइंड करना है, इसीलिए हमने फोर की जगह यहाँ पे फाइव टाइप किया। उसके बाद सेमी कॉलन लिखा, अब हम गूगल को काउंट करेंगे टोटल गूगल कितने नंबर पे आता है, टोटल सिक्स वर्ड है, सिक्स टाइप किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। तो आप देख सकते हैं डॉट जी के जो बाद जो पूरे गूगल का वैल्यू है वो सिक्स है, तो यहाँ पे पूरा गूगल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। इक्वल टू टाइप करें, मिड टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें। अभी छोटा सा इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सेमी कॉलन लगाया, फिर स्टार्ट। हमने टू टाइप किया, इसका मतलब यह है सेवन के बाद हमें एक वैल्यू फाइंड करना है, मतलब सेवन के बाद एक वैल्यू एट आता है, हमें एट को फाइंड करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे टू टाइप किया और वन। सेवन को इसने काउंट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं सेवन टू नंबर पे लिखा हुआ है, ए सेवन एट में जो सेवन लिखा है वो टू नंबर पे लिखा हुआ है, और हमने वन क्योंकि हमें सेवन को ही फाइंड करना था तो इसीलिए हमने यहाँ पे वन टाइप किया। तो इस प्रकार से आप मिड फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब लोअर फॉर्मूला के बारे में सीखें। लोअर फॉर्मूला की मदद से आप उन सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में कर सकते हैं जिसको आप लोअर फॉर्मूला की मदद से करना चाहते हैं। आइए वीडियो की मदद से लोअर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। लोअर फॉर्मूला की मदद से आप कैपिटल वर्ड में टाइप किए गए लेटर को स्मॉल में टाइप कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने यहाँ पे लोअर टाइप किया, इसके नीचे हमें लोअर फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो सेल के हम उस सेल को सिलेक्ट किया, वहाँ पे इक्वल टू लोअर टाइप किया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो अब कंप्यूटर आया वो स्मॉल में आ गया। इसी प्रकार से फिर से इक्वल टू लोअर टाइप किया, अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जो कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे गूगल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर बटन। आप देख सकते हैं अब ये स्मॉल लेटर में आ गया। इसी प्रकार से हमने इक्वल टू टाइप किया, फिर लोअर टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, देख सकते हैं टेक्स्ट कैपिटल में लिखा हुआ है, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर बटन। तो आप देख सकते हैं जितने भी टेक्स्ट था जो कैपिटल में था वो अब लोअर केस में आ गया, मतलब वो स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ आ गया। तो इस प्रकार से आप लोअर की मदद से किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखे हुए टेक्स्ट को आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। आइए अब अपर फॉर्मूला के बारे में सीखें। अपर फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को जो स्मॉल लेटर में है उसे आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से अपर फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। अपर फॉर्मूला की मदद से आप स्मॉल लेटर में लिखे हुए टेक्स्ट को आप कैपिटल लेटर में चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। सबसे पहले जहां पे आप इस फॉर्मूला का उपयोग करना है
वहां पे अपर लिखें। अब हमें इस सेल उस सेल को सिलेक्ट कर ले जहां पर फॉर्मूला का उपयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, अपर टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया। अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए, जो स्मॉल टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, जिसे आप अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें। कंप्यूटर को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि कंप्यूटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर जब लिखा हुआ है, अब वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया है, वो अपर केस में आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल टू टाइप किया, अपर लिखा, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे गूगल टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, देख सकते आप गूगल जो स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं आप जो गूगल लिखा हुआ है वो अपर केस में लिखा हुआ आ गया है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने इक्वल टू टाइप किया, अपर टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे टेक्स्ट, देख सकते टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो जो अब टेक्स्ट लिखा हुआ आया है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ गया है। इस प्रकार से आप अपर केस का उपयोग करके किसी भी स्मॉल लेटर में लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपर केस मतलब कि कैपिटल लेटर में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, अब आप अपने फाइल को क्लोज करें और फिर अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने जो सीखा हुआ कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि न्यू विंडो, क्लोज विंडो, स्प्लिट, फ्रीज, और इसके बाद आपने कुछ फॉर्मूला जैसे कि कैरेक्टर, कॉन्केटनेट, एग्जिट, लेफ्ट, राइट, मिड बारे में सीखा।